अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगेन, बिकॉज वो कहते हैं ना कि मैच हो रहा हो, क्रिकेट हो रही हो या कोई स्पोर्ट्स हो रहे हो, नहीं मगर खलबली रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में मुसलसल। यानी कहाँ कौन से टाइम फ्रेम में ऐसा होता होगा कि रात को कोई 12:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, मतलब कोई भी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो रात के 12:30 बजे शायद दिल बर्दाश्त होकर ये ट्वीट कर दे कि वो एक रेस में शामिल नहीं होना चाहते जो कि चेयरमैनशिप की रेस है। खैर, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई इस हवाले से, पहले भी हम बात करते रहे कि कब होंगे इलेक्शंस, कब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात होगी। खैर, ये बहुत डिटेल में आज ये डिस्कशन होनी है। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला भी हमें जो है वो ज्वाइन इन करेंगे, सो उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। मगर उससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ना, एंड गुफ्तगू शुरू करने से पहले व्हाट्सएप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे बात करते हैं और फिर हम इस इशू को आगे लेकर चलेंगे कि क्या लेंगे कि क्या हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट में, व्हाई सो मच अनसर्टेनिटी। मूविंग ऑन फर्दर, जो आप मैंने बताया जिस तरह पीसीबी चेयरमैन की बात बता रही हूँ, सो पीसीबी का नया चेयरमैन कौन होगा, बिल्कुल ये तो एक पहेली सी बन गई हमारे लिए। एशिया कप से 2 माह पहले सियासतदानों के दरमियान पीसीबी चेयरमैनशिप मजाक बनकर रह गई है। नजम सेठी मामलात से दिल बर्दाश्ता होकर चेयरमैन की दौड़ से दस्तबरदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीसीबी को बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए जो 2 नॉमिनीज देनी थी, उन दो नॉमिनीज का जो है वो नाम हमारे सामने आ गया। जक अशरफ और मुस्तफ़ा रामदे को जो है वो नामजद किया गया है और साथ ही साथ पीसीबी का अहम इजलास आज तलब होगा। जक अशरफ चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार। मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर के हवाले से अगर बात करें, सो पाकिस्तान क्रिकेट का जो दौरा श्रीलंका होना था उसका स्केड्यूल जारी हो गया। स्क्वाड तो पहले 2-3 दिन पहले ही जारी हो गया था, जिसके हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर स्केड्यूल जो है वो अब जारी हो गया है। 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़ के लिए कौमी टीम 9 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला मैच 16 जुलाई से गोल में शुरू होगा। दूसरे टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो 24 से 28 जुलाई तक जो है कोलम्बो में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज से कबल दो रोजा वार्म अप मैच जो है वो 11 और 12 जुलाई को स्केड्यूल है। पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3.0 का हिस्सा होगी, यानी ये जो अब तीसरा साइकिल शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें ये पाकिस्तान की जो कैंपेन है उसकी शुरुआत होगी। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें इमर्जिंग वुमेन एशिया कप की, सो कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं पाकिस्तान के लिए, बिकॉज इमर्जिंग वुमेन एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वुमेन टीम 60 रन भी नहीं बना सकी, यानी 60 रन का हदफ भी जो है वो हासिल नहीं कर सकी। बारिश से मुतासर जो मैच हुआ उसमें बांग्लादेश ने मुकर्रा 9 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 59 रन बनाए। बांग्लादेश की 6 विकेटें सिर्फ 16 रन के ऊपर जो हैं वो गिर गई थी। इवन देन दे मैनेज टू मेक 59 रन। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान जूनियर वुमेन टीम 4 विकेट पर सिर्फ 53 रन बना सकी। यही एक हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमें अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ है कि जी अपनी अपनी छोटी छोटी इनिंग्स खेलें और आगे बढ़ें और वो डीप लेकर जाना है, लंबा लेकर जाना है, ये हम समझ नहीं पा रहे अब ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको। मूविंग ऑन फर्दर, और आज की ये आखिरी खबर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें, सो बड़ा चर्चा था एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी, फुटबॉल खेलने टीम जो है वो भारत जाएगी कि नहीं, तो इवेंचुअली एनओसी मिल गई थी एंड सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जो कौमी टीम है वो आज मॉरिशस से भारत रवाना होगी। वीजे की ताखीर की सबब कौमी टीम वक्त पर भारत नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान ने जो कल भारत से मैच होना है उसके खिलाफ मैच को रीस्केड्यूल करने की दरख्वास्त दी थी जो कि रिजेक्ट हो गई। पाकिस्तान इवेंट में कल रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा और पाकिस्तान भारत मैच कल जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे बेंगलोर में खेला जाएगा। यही सब कुछ था व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के हवाले से, एंड जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में, अ लॉट इज़ हैपनिंग एट द ऑफिस इंस्टेड ऑफ इन द फील्ड। सो यस, हमारे साथ मौजूद है शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसी आप? हम कैसी, आप ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ लाला, मगर आप रवाना हुए पाकिस्तान से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उथल पुथल मच गई है। सवेरा, आई मीन के
हमारे बड़ों ने इस कॉम को ये डायरेक्शन ही नहीं दी पाई कि इस कॉम ने जाना किस तरफ है। तो ये देख चेयरमैन की बात पे है, तो आई मीन के इस तरह की डिसीजन समझ से बाला तर है कि हर चीज में हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते थे। हमारे तो पाकिस्तान में मस्जिदों में पॉलिटिक्स आ गई है, तो बाकी दुआ ही कर सकते हैं सवेरा। बिल्कुल यही है। और लाला मगर जब गेम सेट मैच पे ये बात कोई तकरीबन एक हफ्ते पहले हो गई थी, जब आईपीसी मिनिस्टर मजारी साहब जो हैं वो गेम सेट मैच पे आए थे लाला, तो उसी वक्त उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा कि नजम सेठी जो कि मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं और मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है इलेक्शंस करवाना, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि वो खुद भी उन इलेक्शन में जो है वो खड़े हो जाएँ और उसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएं। और ये तो पहले से हमने प्लान किया हुआ था जब ये गवर्नमेंट बनी थी कि जो मिनिस्ट्री जिसके पास होगी उसके अंडर उसी के लाला जो जो उन्होंने बात की थी एग्जैक्टली वो हम आपको शॉर्ट सुना देते हैं और फिर आगे उस पर फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। सेठी साहब खुद आना चाह रहे हैं, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट कमेटी, ये मिनिस्ट्री पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल पार्टी का ही बंदा होगा। यानी हम जका साहब को आते हुए देख रहे हैं, जका अशरफ साहब को। बिल्कुल जी इंशाल्लाह। तो एक हफ्ते पहले ही लाला ये खबर यहाँ गेम सेट मैच पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, इसीलिए अब ये जो दो हमें नॉमिनीज के नाम दिख रहे हैं वो जका अशरफ है और मुस्तफ़ा रामदे हैं, और कोई एक ऑब्वियस सी सिलेक्शन लग रही है कि जका साहब जो हैं वो अब हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले चेयरमैन दिखेंगे। सवेरा यहाँ पे जो है ना जब बड़े कोई फैसला कर लेते हैं ना, फिर वो ये नहीं देखते कि क्या सिस्टम है, क्या कानून है, नुकसान होगा, फायदा होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं, वो फिर उनका वो मकसद नहीं होता। उनका मकसद वही होता है जो पॉलिटिक्स है, अपने लोगों को लेके आना। के किसी भी दौर में अगर आप देखें, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि ये चीजें वजीर आजम के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस क्रिकेट को अगर आपने संभालना है, हमारे पास क्रिकेट ही है इस मुल्क में जो दुनिया में जाके पाकिस्तान की पहचान कराती है, इसको प्लीज सियासत से दूर रखें और इसका वजीर आजम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसका अलग बोर्ड हो, उसी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और वो ही बोर्ड जो है वो चेयरमैन लेके आए। तो लाला जब मैं जका अशरफ साहब की बात करती हूँ, वो जब पीसीबी में पहले भी थे, गालिबन आप कप्तानी में थे और उसके बाद फिर शायद मिसबाह और हफीज, उस टाइम फ्रेम ये वही टाइम फ्रेम था जिस वक्त जका साहब आए थे? नहीं, जका साहब के दौर में जो है मेरा कमबैक हुआ था और इजाज बट साहब के दौर में मैं कप्तान था, लेकिन उसी दौर में मैं कप्तानी से भी हटाया था मुझे। सो कैसा वो, अगर उस दौर को मैं कहूँ कि जका साहब का दौर कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे उसको? अच्छा, वो एक ऐसा टाइम था मेरे ऊपर जिसमें मैंने इधर उधर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मैंने बिल्कुल अपना फोकस जो है ना वो सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा एक इजाज़ भट्ट साहब के दौर में एक मुश्किल टाइम चल रहा था मेरे ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, तो वापस कमबैक था और मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस मेरी क्रिकेट के ऊपर था, मेरी परफॉर्मेंसेस के ऊपर था। तो ऐसे मुझे सवेरा याद भी नहीं है कि क्या टाइम था, लेकिन मेरा कमबैक जका अशरफ के दौर में था। बट लाला एक चीज जो कि हम मुसलसल बात कर रहे थे, एशिया कप, वर्ल्ड कप, अब कितनी एक अनसर्टनिटी है कि एशिया कप का जो पूरा एसीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो सेठी साहब के अंडर हुआ, ये हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब के अंडर ये हुआ कि जी एक्सेप्ट किया जा रहा है, अब एक अलग रिप्रेजेंटेटिव सामने आ गए हैं, आपको लगता है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता, मे बी दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ये सीरियसनेस का फुकदान है? सवेरा आप क्रिकेट बोर्ड में सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या दो साल तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसी तरह चेयरमैन का भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, फिर चेयरमैन का भी होना चाहिए कि दो साल या तीन साल उसने काम करना है, उसने आके डिलीवर करना है। तो कि ये ना हो कि जिसका जो मुंह उठा के चेयरमैन चेंज करना शुरू कर दे, मतलब कि एक कुछ पॉलिसीज आते हैं, नया चेयरमैन होता है, कुछ वर्किंग की हुई होती है, बोर्ड्स के साथ रिलेशनशिप, आईसीसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड की हुई होती है, उसकी कशमकश कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन ये क्या सिस्टम है कि जब दिल चाहे किसी को भी चेंज कर दिया, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अब मुझे एक चीज़ का और जो खदशा है, आई होप ऐसा ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी कोई एक नया चेयरमैन आता है लाला, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि वो फिर अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं जो पिछले चेयरमैन ने किया होता है वो सब स्क्रैप कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे पास जो है वो एक पूरी लॉट है फॉरेन कोचेस की। एज फार एज आई रिमेंबर, ज़का साहब जब लास्ट टाइम आए थे उनका फोकस था कि हमारा लोकल कोच होना चाहिए, वकार यूनस मोस्ट प्रॉब्ली जो है उस जमाने में कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान टीम की। क्या फिर हम ये तब्दीलियां देखेंगे, फिर ये सारा जो है ये म्यूजिकल चेयर चलेगा लाला? सवेरा मेरा तो नहीं ख्याल वैसे के ऐसे कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस होनी है। देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, आप जैसे कोच के कॉन्ट्रैक्ट हैं या ट्रेनर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपने अगर इनको निकालना भी है तो इनको आपको पूरी साल की पेमेंटें करनी पड़ती हैं, तो वो उन चीज़ों को भी देखा जाता है। लेकिन मेरा अगर कोई भी नया चेयरमैन आ रहा है उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वर्ल्ड कप होने दें, वर्ल्ड कप तक चीज़ें चलने दें, उसके बाद जो करना है करें, हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत कम है। बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो सर पे हैं, बट लेट्स सी, आई होप कि अच्छी हों चीज़ें। अब हम वो एक जो फॉर्मल इलेक्शंस हैं उनका ज़रूर इंतज़ार करेंगे और फिर हमारे सामने जो है वो चेयरमैन आ जाएंगे, जो भी जो चेयरमैन बनते हैं ज़्यादातर चांसेस ज़का अशरफ साहब के ही हैं, सो ज़का अशरफ वुड बी दी नेक्स्ट चेयरमैन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट लाला उसी दौरान अब मैं अगर मूव ऑन करूँ और श्रीलंका की सीरीज़ के हवाले से बात करूँ, सो स्क्वाड अनाउंस हुआ लाला, और स्क्वाड अगर आप मुझसे पूछते तो मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हूँ स्क्वाड को देख के, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जो है इश्यूज हैं। मतलब मोहम्मद हुरैरा की जगह उमर बिन यूसुफ का नाम आ रहा था तो उमर बिन यूसुफ क्यों नहीं हुए, बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की कि नहीं जी कराची के लड़के नहीं हैं, सो कराची वो जो कराची का एक हमेशा इशू आता है। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ और स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ लाला, आपको बता भी देती हूँ आउट लाउड के स्क्वाड क्या है, सो फिर आप उसके हवाले से अगर कोई बात हमें कर सकें तो। सवेरा अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऐसे स्क्वाड नहीं देखा, लेकिन मुझे कभी कभार हैरत होती है कि हमारे एक टेस्ट प्लेयर जिसको हमने बनाया उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी ट्रीटमेंट हुई, वो ठीक हुआ, आबिद अली की बात कर रहा हूँ मैं, वो लड़का किधर है? नहीं खेल रहा। मुझे आबिद अली की समझ नहीं आई। इसके अलावा आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपने रखे हुए टीम के अंदर, वो एक लेग स्पिनर बच्चा आया था जायद महमूद वो किधर है? तो आई मीन इस तरह बाकी स्क्वाड ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो हम वही वाली बात है कि हमारे प्लेयर थोड़ी देर के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं, इंजरीज से बाहर हो जाते हैं, एंड देन फिर वो वापस जगह ही ढूंढ रहे होते हैं। तो वो उस्मान सलाउद्दीन मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से खेला हुआ भी है, बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो किधर है? आई मीन कि आप बिल्कुल नए प्लेयरों को एक साथ चांस दे देते हो, जो पुराने जिन पर आपने इन्वेस्ट किए होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो मतलब आप कहते हैं कि आप भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है स्क्वाड से? नहीं मैं सेटिस्फाई की बात ये सवेरा बात ये है कि एक कभी कभार हैरत हो जाती है ना कि यार ये प्लेयर किधर है, ये ए टीम के साथ टूर भी नहीं कर रहे, इनको लेके भी नहीं जाते, एटलीस्ट ये हो कि बंदा याद तो रखिए ना। जो टूर्स आप ए टीम के टूर्स करते हो ठीक है, आप नए प्लेयर लेके जाते हो, लेकिन जिन प्लेयरों पर आपने इन्वेस्ट किया होता है उनको तो आप सैलरी पे कैरी करते हैं ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम में खो जाते हैं हमारे प्लेयर्स, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने सारे खिलाड़ी हैं, इवेंचुअली वो दिल बर्दाश्ता होकर कोई यूएस से चला जाता है तो कोई यूएई चला जाता है। सवेरा लोगों को लड़कों को लड़के इंजरीज में भी खेल जाते हैं, उनको पता है अगर हमने किसी को जगह दे दिया ना तो कोई और आ जाएगा हमारी जगह, तो लड़कों के लड़के बहुत सारे लड़के हमारे टाइम में भी इंजरीज में खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से, और इसी वजह से इनसिक्योरिटी होती है और इनसिक्योर होके वो जो है वो अपनी इंजरी में ही किसी तरह मैनेज कर देते हैं खेलने का। बट लाला एक और चीज़ जो स्क्वाड में हमने देखी, जो कि बहुत सारे लोग इस पर वो कर रहे थे कि वेदर मोहम्मद रिजवान होंगे स्क्वाड में या सरफराज होंगे, पिछले उसमें सरफराज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, इस वक्त हमें दोनों स्क्वाड में दिखते हैं। मतलब आपको लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि हमें दोनों कीपर्स को साथ कैरी करना चाहिए और जो जिस कंडीशन के हिसाब से हो वहाँ उसको इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही होना चाहिए। दो टेस्ट मैचेस है ना सवेरा? जी हाँ, दो टेस्ट मैच एक कीपर को ले जाओ, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है फ्लाई करा लो। आपने दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रखे हुए, किस लिए रखे हैं भाई, जरूरत ही नहीं है। आपने जेनवन रखो, जो भी रखना है जेनवन रखो स्पिनर। मे बी शायद आगे की, क्योंकि ये हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत है और जिस तरह हमारी पास में चीफ सेलेक्टर से बात होती रही उन्होंने यही कहा कि हम
अब रोटेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और ये जो लड़के ट्रैवल करेंगे साथ में भी इनको खेलने का मौका ना मिले, बट एटलीस्ट ये टीम के साथ तो होंगे। मतलब रोटेशन क्या मतलब, एक मैच रिजवान खेलेगा, दूसरा सरफराज खेलेगा, इस तरह होगा? नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं, बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं सरफराज को देखती हूँ तो श्रीलंका की कंडीशन में सरफराज इज अ वेरी गुड कीपर, बट हमने अब फिर अगला टेस्ट हमने खेलना है दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में रिजवान इज अ बेटर कीपर देन सरफराज। मे बी ये चीजें सोच के साथ साथ कैरी किया हुआ हो। देखें, इतना हमारे मुल्क में कल परसों का नहीं पता चल रहा होता, आप बोल रहे हो कि इतना आगे का सोचा हुआ है, लेट्स सी। देखें, अब हमारी तो दुआ है कि जो भी करे अच्छा करे, पॉजिटिव करे। हाँ। पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, सो अब जब हम स्केड्यूल की बात करते हैं, अब श्रीलंका के लिए हमने रवाना होना है, टीम हमारी 9 जुलाई को रवाना हो जाएगी, हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह की परफॉर्मेंसेस? लाला, व्हाट डू यू थिंक? होगा थोड़ा सा बहुत वेदर का, अगर आ गया, गर्मी होनी है, लेकिन यह है कि माशाल्लाह से इस वक्त टीम जो है ना वो वेल बैलेंस्ड है, चाहे वो टेस्ट की हो चाहे आपकी वन डे T20। मैं आपकी टीम से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, हमारे पास सवेरा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर्स, बॉलर्स देख लें, स्पिनर्स देख लें, तो मेरे ख्याल में पूरा पैकेज है। और क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि वो अपने स्किल्स को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे सराउंडिंग में, ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो प्लेयर्स को मोटिवेट रखे, पॉजिटिव रखे, उसकी ज़रूरत है इस वक्त बस। अब मैनेजमेंट, वही मेरा फिर से ना जहन वहाँ चला गया है कि एक चेंज ऑफ टॉप मैनेजमेंट से इस मैनेजमेंट को कैसे चेंज ओवर किया जाएगा। बट लाला, इस वक्त एक क्विक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से करेंगे कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और लाला से हम यही डिस्कस कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, श्रीलंका जो टूर करना है पाकिस्तान ने श्रीलंका का, वो दो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके स्क्वाड के, उसके स्केड्यूल के हवाले से। बट लाला, कमिंग बैक टू दैट इशू जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इशू है, बट आई वॉज गोइंग थ्रू द ट्वीट नजम सेठी साहब ने जो कल रात को ट्वीट की। एक तो आप ये सोचें कि रात को 12:30 बजे जो है वो चेयरमैन साहब की तरफ से ट्वीट हुई है, और 12:30 बजे मतलब हमको एकदम से, जो जागे हुए थे उन्होंने तो उसका फ़ायदा उठाया और फौरन अपनी ब्रेकिंग और वो चला दी। बट कहाँ, कौन से बोर्ड में होता है कि ये रात को 12:30 बजे जो एक 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 इस तरह का ऑफिशियल मैसेज आ जाता है? सवेरा ऐप डाउनलोड करने से कि उसके लिए एजुकेट भी होना पड़ता है, और ख़ासतौर पर जब आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। Yes. अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि रात 12:00 बजे चेयरमैन का, कम ऑन यार, अगर आपने कोई भी ऐसी बात करनी है तो आप इसको ऑफिस टाइमिंग में करो ना, सुबह उठो 9:00 बजे, उसके बाद जो करना है करो ऑफिस टाइमिंग तक, उसके बाद वाली चीजें समझ नहीं आती। रात को 12:00 बजे चेयरमैन PCB, के मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था। 12 भी नहीं, 1:07 कम थे, 12:53। और लाला, जब मैं ये ट्वीट पढ़ती हूँ जिसमें सेठी साहब ये कहते हैं कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, सच इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अंडर द सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ PCB, गुड लक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। लाला, ICC का इतना बड़ा बड़ा क्लॉज लिखा हुआ है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पेट्रन इन चीफ, यस हमें पता है कि पेट्रन इन चीफ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मगर इतना ओपन, इतने खुले में कभी भी इस तरह बात नहीं हुई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ICC वुड टर्न देयर हेड्स टूवर्ड दिस एज वेल? क्योंकि चेयरमैन की तरफ से आया है, ठीक है, तो कि ये पहले भी एक इशू, अगर आपको याद है सवेरा ये चीज हुई थी। Yes. कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल में इस बार जो है लेट्स सी ICC क्या करता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को एज ए चेयरमैन मेरे ख्याल में जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं थी वो उन्होंने इस स्टेटमेंट को लेके पूरी तरह नहीं की, और लेट्स सी कि ICC क्या करता है इस पर।
बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये जो है वो कहते हैं ना, विद 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 ह्यूज पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मगर मतलब इस ट्वीट को पढ़ के मुझे वाकई एहसास होता है कि शायद सेठी साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे जो उन्होंने ये ट्वीट की है, और ये लग रहा है उन अल्फाज से लग रहा है। बट लाला, मूविंग ऑन फर्दर, हम जब चेंजेस की बात करते हैं, ज़का साहब की प्रेजेंस की बात करते हैं, बड़े बड़े जो अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो तक ये बात आगे फोर्स ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियां हमें होती हुई दिखेंगी मैनेजेरियल पोस्ट पे। तो फिर से एक ये होगा, क्योंकि अगर मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ लाला, दिसंबर 22 रमेश राजा साहब हमारे चेयरमैन थे, जनवरी 23 नजम सेठी हमारे चेयरमैन थे, जुलाई 23 में मोस्ट प्रॉब्ली ज़का अशरफ हमारे चेयरमैन हो जाएंगे। 8 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तीसरा चेयरमैन तब्दील कर रहा है। अब ये इसमें क्या क्या करें, आप सोच करूं मैं कि क्या करूं, मुझे ये बताएं। अब आप ये बताएं कि सवेरा भी नए, वही वाली बात है कि नया बोर्ड आता है जी, नए लोग आते हैं, नई सोच आती है, और मुझे तो ये भी पता चला है आज मेरे दोस्त ने फोन किया, मैसेज किया मुझे कि उसको भी जॉब की ऑफर हुई है और जॉब की ऑफर करना शुरू कर दी गई। किसको जॉब की ऑफर हुई है लाला? मेरा कोई एक दोस्त है, मतलब जी। नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि लाला मुझे भी जॉब की ऑफर हुई है, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं, और उनके साथ उनके कुछ और लोग हैं जो उनके जानने वाले, उनको भी जॉब ऑफर हुई है सीपीसी में। So, मतलब वो आने से पहले जो है वो साइनिंग शुरू हो गई है। सो अब लाला, अगर मैं देखें आपसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगी, आपके सामने मैं रखती हूँ, एक तरफ बाउंसर मारे, एक तरफ नजम सेठी साहब हैं, एक तरफ ज़का अशरफ साहब हैं, आपके पास ऑप्शन होता तो आप किसको चूज करते? मैं इन दोनों बुजुर्गों को रेस्ट करवाता। अच्छा, फिर लाला 60 साल 65 साल के बाद ना मैं इस कुर्सी के ऊपर किसी बुजुर्ग को नहीं आने देता। ओके, ये बुजुर्ग हो गए, रेस्ट करें, जाके आराम करें, अल्लाह अल्लाह करें, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको यंग लोग चाहिए, यहाँ पे आपको एनर्जेटिक किस्म के एक नई सोच वाले लोग चाहिए। तो आई मीन के मैं सवेरे इस तरह सोचता हूँ। यानी लाला, मैं टाइम रिवाइंड करूँ तो वर यू हैप्पी व्हेन वसीम खान वाज थे? तो वो जाहिर सी बात है ही वाजंट द चेयरमैन, बट ही वाज देयर एंड ही वाज टेकिंग डिसीजन। तो जिस वक्त वसीम खान थे, वर यू हैप्पी? सवेरा रमेश, देखिए मैं समझता हूँ जैसे रमेश भाई थे, रमेश भाई भी ठीक थे, लेकिन रमेश भाई भी सिर्फ अगर ये समझ रहे थे कि मैं अकेला सारा कुछ लेके जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। yeah. जो मैं पावर शेयरिंग की बात करता हूँ उससे इंसान खुद पावरफुल बनता है। वसीम खान की अगर मैं बात करूँ, वसीम खान के पास एक सोच थी, वो गोरे कल्चर से आया हुआ था, उस कल्चर को जानता था, उस सिस्टम को जानता था। हमें उस सोच के लोग चाहिए अपने इदारों को स्टेबल बनाने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए। वसीम खान ने बड़े अच्छे काम किए हैं, काफी सारे जो टीमों को जो पाकिस्तान आके टूर किए, वो क्या समझती है कि किसकी एफर्ट थी? वसीम खान ने इस सारी एफर्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच जो है वो हमारे पास उसका फुकदान है, और वो मॉडर्न सोच जो है मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम ये समझते हैं, हमारे सो कॉल्ड जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि जितनी उम्र बढ़ती रहेगी उतने एक्सपीरियंस होते रहेंगे और उतना अच्छा काम करेंगे। पता नहीं किस सोच के तहत इस मुल्क को लेके चला जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट लाला, अब जब हमारे सारे जो लड़के हैं, हमारी टीम के जो लड़के हैं, कुछ लड़के जो हैं वो हज के लिए गए हुए हैं, कुछ दूसरी लीग्स में हैं, जब वो वापस पाकिस्तान गैदर होंगे, और एक एक फिर एक एक चेयरमैन को छोड़ के गए थे और अगले चेयरमैन पर एक नया चेहरा, क्या ये इवेंचुअली टीम पे इफेक्ट होता है इन सारी मैनेजेरियल शिफ्टिंग का और चेंजेस का? मेरा नहीं ख्याल कि लड़के इतना महसूस करते होंगे, बस सिर्फ ये होगा कि यार क्या होगा, होना कुछ नहीं है लड़कों के साथ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होना। असल चीज ये है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कौन आता है, नए कोचेस कौन आते हैं, बस इसकी थोड़ी सी फिक्र होती है, जिस तरह मैं और आप बातें कर रहे हैं, फिक्र इस तरह उन प्लेयरों को, जाहिर बात है उनका ज्यादा हमसे, मेरे और आपसे ज्यादा ताल्लुक है, उनको भी फिक्र होती है कि क्या ऐसी चेंजेस होगी। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा कि नहीं, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, और वर्ल्ड कप तक प्लीज इसी तरह लेके चले। जो भी सिस्टम, सो कॉल्ड जो सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, कि जो चेहरों के साथ सिस्टम बदल जाते हैं उसको सिस्टम नहीं कहते। अगर हम दिसंबर तक इसको वर्ल्ड कप तक लेके चले, उस पर जो करना है करें, फिर मुझे नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है इंडिया में।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक, एक बहुत मार्की इवेंट है इस साल का। थैंक यू लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ड्राइव सेफ, एंड ड्राइव तो आप कर नहीं रहे, सो जस्ट स्टे सेफ। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। बट शाहरीदी का एक सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड कप तक अब जो भी चेयरमैन आता है, मोस्ट प्रोबली ज़ाका अशरफ साहब ही आएंगे, सो वर्ल्ड कप तक कोई छेड़छाड़ ना करें मैनेजमेंट के साथ, सेटअप के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ, जिस तरह जो चीज़ चल रही है उसको चलते रहने दें, बिकॉज दिस इज़ द मार्की इवेंट ऑफ दिस ईयर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच, डिस्कशन हमारी हो रही थी, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चेंजेस, द अब्रप्ट चेंजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज होना तो था, इलेक्शंस तो होने थे, ये मैनेजमेंट कमेटी बनी इसलिए थी, मगर इतने टाइम से हम सबको ये अंदाज़ा था या वी वर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि यही होगा कि सेठी साहब जो हैं वो उन दो नॉमिनीज में से होंगे, एक मुस्तफ़ा रामदेव होंगे और सेठी साहब होंगे, और फिर सेठी साहब इवेंचुअली वुड बी द चेयरमैन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट कल ये मेजर चेंजेस हुई और इन मेजर चेंजेस में जो है वो सेठी साहब ने खुद ही इस बात को अनाउंस कर दिया दैट ही इज बैकिंग आउट एंड ही वुड नॉट रन फॉर दी मैनेज, जो चेयरमैन की नॉमिनीज होंगी उसके लिए वो नहीं, अपनी अवेलेबिलिटी खुद नहीं दे रहे हैं। और फिर आज सुबह ही जो है वो नाम सामने आ गए जो कि दो नॉमिनीज पेट्रोन इन चीफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने देने होते हैं, मुस्तफ़ा रामदेव और ज़का अशरफ। सो ज़का अशरफ इज़ दी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, यानी अब जब इलेक्शंस होंगे, बिकॉज आज हो गई है 20th, कल था वो आखिरी दिन जो कि ये एक्सटेंशन मिली थी, उस एक्सटेंशन का कल का आखिरी दिन, सो नाउ जब इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मोस्ट प्रॉब्ली यानी 99% यही चांसेस हैं कि ज़का अशरफ साहब वुड बी दी नेक्स्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। बट हाउ वुड दिस इफेक्ट टीम पाकिस्तान, हाउ वुड दिस इफेक्ट दी हाउस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजेरियल पोस्ट हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। शाहिद खान आफरीदी ने जाते जाते एक स्टेटमेंट ये दिया कि बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त छेड़ा ना जाए बिल्कुल भी, इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं पॉलिसीज़ को रहने दें, जो इम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं इम्प्लॉयज़ को रहने दें, वर्ल्ड कप तक कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो चेयरमैन इससे पहले चेयरमैन या मैनेजमेंट कमेटी के हेड ज़का अशरफ ने, जो चेयरमैन नजम सेठी ने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ था, जो अपॉइंटमेंट्स की हुई थी, उसको अभी वैसे ही रहने दें, और उसको वर्ल्ड कप के बाद अगर आपने कोई तब्दीली करनी भी है तो की जाए। बट ये सारी डिस्कशन तो हमने आज काफ़ी डिटेल में की, काफ़ी डिटेल में बात की, आई होप जो भी हो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बेहतर हो, बट दीज अप्रप्ट चेंजेस वुड डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स क्रेडिबिलिटी, एंड आई होप कि ये अच्छे के लिए हो। बट मूविंग ऑन फर्दर, हमने श्रीलंका के टूर की भी बात की, जो पाकिस्तान ने टूर करना है श्रीलंका का दो टेस्ट मैचेस के लिए, कैंप इस वक्त लगा हुआ है, लड़के जो है वो शदीद गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो नसीम शाह हुई हमारी बात, क्या कहते हैं नसीम शाह आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इंग्लैंड में डिफरेंट कंडीशंस में आप खेलते हो तो बहुत हेल्प होते हैं, जब आप फिर इंटरनेशनल टूर के लिए जाते हो तो आपको हेल्प होता है क्योंकि आप सारे कंडीशंस में खेले होते हैं। और श्रीलंका की तैयारी अच्छी जा रही है, आपके सामने कैंप लगा हुआ है, गर्मी काफ़ी है, वहाँ से आके यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सर्दी थी और गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो रहे हैं और प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। यार सनब्लॉक तो देखे लगाते हैं लेकिन क्या करें, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, खाले हो जाए खैर है, लेकिन यह है कि सीरीज़ के लिए तैयार है। ज़फ़ात बुलर सारे अच्छे फॉर्म में हैं, अभी हसन भाई वहाँ पे काउंटी में खेल रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शहीन भी वहाँ पे खेल रहे हैं, उसके अलावा आमिर जमाल भी अभी आए और अभी सीरीज़ खेला है वहाँ पे, तो आई थिंक सारे फॉर्म में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जाके अच्छे क्रिकेट खेलें और उम्मीद है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल जी, मौसम का तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, बिकॉज वहाँ ठंड से यहाँ गर्मी में आके खेलना, बट अच्छी बात यह है कि यहीं एक्लेमेटाइज हो जाए बिफोर गोइंग टू श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका में भी कोई आपको इंग्लैंड वाली ठंड नहीं मिलने वाली, गर्मी मिलेगी। बट टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड, और जिस तरह ये सारे लड़के जो हैं वो एक ग्रूव में हैं, मुसलसल खेलते रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो है वो एक गैप आया पाकिस्तान क्रिकेट में कि कहाँ कब किस वक्त खेलेंगे, सीरीज़ का एक बहुत बड़ा गैप आया, उस गैप को इन लड़कों ने बहुत अच्छे तरीके से अवेल किया।
काउंटी हैज ऑलवेज बीन, काउंटी क्रिकेट की जब हम बात करें तो पास में भी वी हैव सीन आर लेजेंड्स प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एंड गेनिंग फ्रॉम देयर, वो एक्सपीरियंस गेज करते हुए पाकिस्तान के, इस दफ़ा काउंटी में बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो हमें खेलते हुए देखे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि ये एक लर्निंग, एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व आ जाता है हर प्लेयर की जिंदगी में जब वो इंग्लिश काउंटी जाके खेलता है, बिकॉज इंग्लिश काउंटी की एक वैल्यू डिफरेंट होती है, एक डिफरेंट सेटअप होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में ख़ुद को अडेप्ट करना, वहाँ परफॉर्म करना नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के साथ, एंड देन द सेटअप ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, वी ऑल नो कि जो सेटअप जिस तरह का उनका होता है वहाँ से उसको फ़ायदा उठाना, एंड आई होप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह हम इस वक्त होते हुए देख रहे हैं, मुकाबले होते हुए देख रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह हमने एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एशेज का पहला मैच देखा जिसका आज आखिरी दिन है और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 174 रन्स रिक्वायर्ड हैं, विच वुड बी अ ट्रीट टू वॉच द लास्ट डे, द फाइनल डे ऑफ एशेज फर्स्ट मैच, सो आई होप कि हमारे लड़के भी उस इंग्लिश तरीके से जो है उस बैस बॉल अप्रोच को जो है वो अप्लाई कर सके अपने ऊपर, बट विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है, बस यहाँ पर इजाज़त दीजिए, सवेरा पाशा को अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।